एंड आर, ये जो है ये क्या है आपके, इट हैज न्यूट्रल एंड थ्री फेजेस। नो डियर आदित्य, ये हम लोग रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट देख रहे हैं। ओके, सो स्टार इज अ कॉम्बिनेशन जिस तरह से हमने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है। नाउ दिस पी रेजिस्टेंस हैज टू टर्मिनल्स। ओके, दिस रेजिस्टेंस पी हैज टू टर्मिनल्स। सो एक को हम बोलेंगे स्टार्टिंग टर्मिनल और एक को बोलेंगे एंड टर्मिनल। ओके, व्हाट इज द वर्ड, स्टार्ट टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल। नाउ दिस स्टार्ट टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस पी क्यू एंड आर, ये तीनों का स्टार्टिंग जो टर्मिनल है वो क्या है, ओपन है यहाँ पे। ओके, एंड जो आपका एंड टर्मिनल है या जहां पे हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस का दूसरा जो रिमेनिंग टर्मिनल है, वो तीनों रेजिस्टेंस का एंड टर्मिनल हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट किया है। इस तरह से जब ये रेजिस्टेंसेस का हम लोग सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट को हम लोग कहते हैं स्टार कनेक्शन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा साइड में जिसको हम डेल्टा कनेक्शन बोल रहे हैं। सो डेल्टा कनेक्शन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। For today's lecture, we are talking about the resistances which are connected in the star and delta. So star connected जो resistances है, उनका अगर हमने value निकालने की कोशिश की और हमने 0.2 and 0.3 को अगर हमने क्या किया, short किया, तो क्या होगा, 0.1 will be considered as a resistance P in series and resistance R and resistance Q, they both are in parallel. अगर हमने ये तीन और दो को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया ऐसे। ओके, बट इफ वी आर हैविंग द अनदर कनेक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा कनेक्शन, देन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, द रेजिस्टेंस हैज अ स्टार्ट टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल। तो पहले का स्टार्ट टर्मिनल दूसरे के एंड टर्मिनल को कनेक्टेड रहता है। व्हाट इज द वर्ड, पहले का स्टार्ट टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के एंड टर्मिनल को कनेक्टेड रहता है और पहले रेजिस्टेंस का एंड टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्ट टर्मिनल को कनेक्टेड रहता है। और ये इस तरह से ऐसा एक सर्कुलर लूप बोलेंगे आप या फिर ऐसा ट्रायंगुलर लूप बोलेंगे, तो ऐसा ये क्या हो जाता है, एक के पीछे एक कनेक्टेड रहते हैं। बट वी हैव दीज थ्री टर्मिनल्स अवेलेबल टू अस, 1, 2 एंड 3। ये टर्मिनल्स जो है, ये तीन टर्मिनल तो हमारे पास कॉमन है। ओके, तो इसे कहते हैं स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने 1 पॉइंट एंड 3 एंड 2 पॉइंट को अगर शॉर्ट कर दिया तो हमें ये पी रेजिस्टेंस सीरीज में मिलेगा और ये दोनों जो है वो क्या मिलेंगे, पैरेलल में मिलेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने ऐसा देखा तो हमें 1 में 5 एंड ये ए एंड बी रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में दिखेंगे और सी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ सी बिकॉज़ इफ वी शॉर्ट 2 एंड 3 तो सी रेजिस्टेंस अपना रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पैरेलल में एक ऐसा शॉर्ट सर्किट वाला ब्रांच आ गया जो टोटल करंट को क्या कर रहा है, सी रेजिस्टेंस से बाईपास कर रहा है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। यहां तक तो आपको समझ में आया प्रॉपरली क्या है स्टार एंड डेल्टा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ये स्लाइड में। यहाँ पे हमने एक्चुअल रेजिस्टेंस का सिंबल यूज किया है, रेजिस्टेंस आर ए, आर बी एंड आर सी। नाउ हियर वी हैव वाई कनेक्शन और स्टार कनेक्शन, उसको ही ये नाम दिया गया है। और यहाँ पे ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया जो रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा आपके रेजिस्टेंस आर ए और आर सी और आर बी के स्टार कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। आर यू विद मी? तो इस तरह से अगर कनेक्शन है और इस कनेक्शन को आपको इस कनेक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके, तो हमें किस तरह से फॉर्मूलास और किस तरह से इसका डेरिवेशन जो है वो समझना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ये कनेक्शन में कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास समझ में आना चाहिए कि जो आपका स्टार कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस है आर ए, आर बी एंड आर सी, इसके नोटेशंस आप देख लो ध्यान से, दीज आर आर ए, आर बी एंड आर सी। वेयर एज इन डेल्टा कनेक्शन
The resistance is across two main terminals called as A and C. So we have the resistance values suffix mein R AC, the resistance between terminal A and terminal C. Similarly, for resistance B C and resistance A B. तो ये हो गया डेल्टा कनेक्शन में और ये हो गया स्टार कनेक्शन में. अभी हमें देखना है इफ व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग देम व्हाट आर द फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज. सो अलोंग विद दिस नेम्स, दिस ऑल नेम्स, जस्ट ड्रॉ दिस टू डायग्राम्स अलोंग विद ऑल द नेम्स. वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम. तो ये जितना भी आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम्स, वो आप आपके नोटबुक में अभी क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए. And when you are done, just type done in the chat box. Sir, done. Okay, perfect. So now we are going to see what are those formulas by which we can get the actual value of RAC from the values of RA, values of RC and values of RB. So are you all interested to know about these formulas? Just yes, let me know in the chat box. Interested, just type interested in the chat box. If you are. If you are not, then just say not interested. Okay. So now we have somewhat interesting formulas. Okay. Matlab interesting matlab kaafi wo complicated dikh rahe hai. But agar aapne uske piche ka logic samajh mein liya, if you understood the logic behind these formulas will be very easy to understand, remember and apply when you want to convert a circuit from star to delta and from delta to star. Okay, so let's see in the screen. We have star, jo YYE bol rahe hai usko star consider karna hai. Star to delta jab hum convert kar rahe hai, we have RAB. RAB kahan pe hai? Yahan pe hai. Okay, aur RA cons kahan pe hai? Yahan pe aur yahan pe. Now then we have RA, RB, then RA RC एंड RB RC. मतलब क्या करना है, RAB में कौन सा टर्म है, A एंड B है, तो उनका पहले मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों का, प्लस RA के साथ कौन बच गया, C बच गया, और RB के साथ कौन बच गया, C बच गया. तो मतलब पहला तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है RAB, फिर इंडिविजुअल जो बचा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है. यू गॉट माई पॉइंट एवरी वन? Now you feel that this is interesting. RA और RB, ये एक इसके ही दो कंपोनेंट है, RA एंड RB. उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किससे किया है, A और B में छूटा कौन, बचा कौन, C, बराबर. सो RA को C के साथ मल्टीप्लाई करना है RA RC, और B को मल्टीप्लाई करना है RB RC के साथ. अभी ये तीनों का एडिशन करने के बाद उसको जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है उससे क्या करना है, बचा हुआ कैरेक्टर का जो रेजिस्टेंस है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है. देन वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ दोज टू टर्मिनल के बीच में, वो दो टर्मिनल के बीच में जो डेल्टा का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा. ओके, व्हाट इज द वर्ड, डेल्टा का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो हमें वहां से पता चलेगा. सो आई होप दिस फॉर्मूला इज अंडरस्टूड. इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया, राइट? व्हाट इज द लॉजिक, चलो देखते हैं कि ये लॉजिक दूसरे फॉर्मूला पे भी काम करता है क्या. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द RBC. RBC कहां पे है, यहां पे. कौन से टर्मिनल के बीच में है, बी और सी. बी और सी के बीच में और कौन सा है, स्टार कनेक्शन में RC है और RB है, और बचा कौन, RA. देखो फिर RBC, B मल्टीप्लाई बाय C, यहां पे किया B मल्टीप्लाई बाय C. ओके, बचा कौन, RA बचा, RA RB बचा, RA RC बचा, मल्टीप्लीकेशन किया, डिवाइडेड बाय कौन, आपका जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है RA, RA से डिवाइड किया. कंसेप्ट समझ में आया एवरीवन? और अगर आपको सिंपल करना है तो ऊपर का टर्म देखिए आप, ये दिस इज कॉमन टू एवरी फॉर्मूला. जो न्यूमरेटर है वो देखो तीनों में सेम है. न्यूमरेटर क्या बोलता है, A को B के साथ मल्टीप्लाई करो, A को C के साथ मल्टीप्लाई करो, और B को C के साथ मल्टीप्लाई करो. ओके, ए बी सी, ए बी ए सी बी सी. ये समझ में आया आपको एवरीवन? हेलो, यस सर. ओके, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है बेसिकली, आसान भी है. ओके,
सो जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. सो लेट्स टेक दिस न्यूमेरिकल ऑन दिस स्टार टू डेल्टा. ये डायग्राम जो आपने ड्रॉ किया है वहां पे आर ए का वैल्यू लेते हैं हम लोग 5, आर बी का वैल्यू लेते हैं 10 और आर सी का वैल्यू लेते हैं 15. 5, 10, 15 ठीक है. एंड नाउ यू हैव द आर ए इज इक्वल टू 5, आर बी इज इक्वल टू 10, आर सी इज इक्वल टू 15. And now you have to calculate the value of RAC, RBC and RAB, converting star into delta. Okay? ये formulas use करना है right hand side वाले. इसको आपके notebook में लिख लीजिए, numerical के साथ उसको use कीजिए and then draw a diagram in which you will have the answers for RA, RAB, RBC and RAC. ठीक है. So you have some 1 or 2 minutes for doing this. Go ahead. So there will be 3 different answers for RAB, RBC and RAC. So while giving the answer also write down the for which terminal you are getting these answers. And the unit of this answer will be in the ohms. For input also the unit is ohms. Okay. Okay. So we have Jainam, सलोनी, आदित्य, पराग, सोहम, बस इतने लोगों का हुआ है. व्हाट अबाउट अदर्स? हेलो, सबको फॉर्मूला समझ में आ रहा है? सब लोग ने फॉर्मूला लिख के लिया है राइट. यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज राइट. सो अगर आपने किया है तो जस्ट डन करके टाइप करो, नहीं किया है तो फिर बाद में आपको उसका तकलीफ होगा. उससे अच्छा नाउ स्पेंड योर टाइम इन लर्निंग. वैसे भी हम लोग घर पे बैठे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. ओके, सो फोकस करो. तो वी हैव अद्वैत, सोहम, दलवी, सागर, अद्वैत, अखिल, सागर, धुपे, अनिश, अमोल, अद्वैत, महेश, अथर्व, सागर, धुपे, वंशदे, दर्शिका, विरज, मोरे. ओके, ठीक है. सो आप सब लोग का हो गया है. तो यस, वी हैव सम आंसर्स नाउ. एंड अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट वी हैव इज स्टार को तो हमने डेल्टा में कन्वर्ट किया एंड वी आर नाउ हैविंग द वैल्यू ऑफ आर ए सी, आर ए बी एंड आर बी सी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज यूजिंग दिस फॉर्मूलाज नाउ विच आर कन्वर्टिंग डेल्टा इनटू द स्टार वी कैन रीवेरीफाई. डू यू थिंक सो? सो इफ वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज इनटू डेल्टा कनेक्शन. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज डेल्टा के पास जो वैल्यूज है हमारे, डेल्टा मतलब आर ए बी, आर बी सी एंड आर ए सी, उसको हम अगेन आर ए, आर बी एंड आर सी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज. ओके, सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड रिमेम्बर दिस फॉर्मूलाज. सो वी हैव, अरे बाप रे ये क्या हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया. ओके, यहाँ पे थे ना हम लोग. सो डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल है. वी नाउ वांट आर ए, आर ए इज अ ब्रांच रेजिस्टेंस फॉर योर स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस एंड फ्रॉम दोस टू टर्मिनल्स इन बिटवीन देयर इज अ रेजिस्टेंस. ए के बाद बचा कौन, बी एंड सी. तो बी एंड सी के साथ आर ए का मल्टीप्लीकेशन करना है, आर ए, ए बी, आर ए बी एंड आर ए सी मल्टीप्लीकेशन करना है. वॉट इज अ वर्ड, मल्टीप्लीकेशन. एंड देन उसके डिवाइड में क्या आएगा, आर ए बी प्लस आर ए सी एंड प्लस आर बी सी. और ये जो डिनोमिनेटर है वो आपके तीनों फॉर्मूलाज, तीनों वैल्यूज के लिए सेम रहेगा. तो अभी ध्यान में रखना है जिस रेजिस्टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसका जो लेटर है, उसका जो टर्मिनल लेटर है ए बी या सी, उसके बचा हुआ जो भी है उसके साथ इंडिविजुअली जो आता है, मतलब आर ए अगर छोड़ेंगे तो बचता कौन है, आर के बाद सॉरी आर ए के छोड़ के तो बचेगा कौन, आर बी एंड आर सी. तो बी एंड सी आर देयर. तो आर ए को बी के साथ, मतलब आर ए बी और आर ए सी, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है न्यूमरेटर में. उसके बाद आर बी के लिए अगर आप देखेंगे तो बी के बाद बचता कौन है, ए और सी. तो आर ए बी और आर बी सी. ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसको डिवाइड करने का है तीनों के एडिशन से. तो राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज, यूज द न्यूमेरिकल्स आंसर विच वी जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम
doing previous calculation and check whether your array is coming to be five, b to be 10 and c to be 15. आता है क्या, जरा देखो बताओ मुझे, कंसेप्ट समझ में आया आपको एवरीवन? यस सर. परफेक्ट परफेक्ट, गो अहेड सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. इट विल हार्डली टेक यूर 2 or 3 minutes. जस्ट गो अहेड फॉर दिस. ओके, सो लेट्स डू अनदर कैलकुलेशन फॉर कन्वर्टिंग स्टार टू डेल्टा. ओके, स्टार टू डेल्टा एंड वी हैव थ्री नंबर्स एज 25. सॉरी, मराठी टाइपिंग चालू है, इंग्लिश. ओके, सो 35, 24 and say 74. थ्री रेजिस्टेंसेस है, दे आर इन स्टार. ओके, दीज आर द वैल्यू ऑफ आर ए, आर बी एंड आर सी. कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर डेल्टा कनेक्शन, इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन. नाउ बेसिकली यू नीड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली, इन विच यू कैन राइट डाउन गिवन डेटा, देन यू कैन राइट फॉर्म्यूला, देन ड्रॉ अ डायग्राम, शो इन द डायग्राम दैट दीज रेजिस्टेंसेस आर देयर लाइक दिस. यहाँ पे आर ए लिखा है, उसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे इफ यू आर इजिली सी माई स्क्रीन नाउ, तो यहाँ पे देखो आर ए के ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है कि आर ए इज 34, आर बी इज 24, जो भी है मतलब दिया हुआ डिटेल्स है, वो 24 ही दिया है ना. हाँ, एंड दिस 35, दिस इज 35, दिस इज 24 एंड दिस इज 74. तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लिखना है वहां पे, डायग्राम ड्रॉ करना है, फॉर्मूला लिखना है इंडिविजुअल के लिए, आर ए के लिए फॉर्मूला लिखना है, उसमें नंबर्स डालने हैं. मेक श्योर कि अभी आप घर पे बैठ के ही सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इजीली शॉर्टकट में उसको सिर्फ आंसर आया तो काम चलेगा, ऐसा नहीं है. व्हाई वी नीड दिस प्रोसीजर, आपके माइंड में सवाल आएगा सर हमें तो सिर्फ जवाब जरूरी है. प्रोसीजर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका नोटबुक किसी और ने रेफर किया तो उसे पता चलेगा कि ये भाई, ये बंदे ने क्या किया है एग्जैक्टली. ओके, या ऐसे ही किधर से माइंड में आया, उसके नंबर्स लिख दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये जरूरी है. ओके, सो मूविंग अहेड विद दिस, इसको सॉल्व करो, आंसर्स बताओ. मीनवाइल आई एम डिजाइनिंग वन क्विज फॉर यू, तो एक क्विज आपके लिए यहाँ पे सरप्राइज क्विज होगा अभी थोड़ी देर में. आपका लेक्चर कब है इसके बाद का? 1:15 को है ना, तो मुझे आपको कितना 12:30 तक छोड़ना है, तो यू कैन हैव योर फूड एंड अगेन कम बैक टू द लेक्चर. ठीक है, तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद आपका क्विज चालू करते हैं और एक टॉपिक रिमेनिंग है वो भी करते हैं. सो 12:30 को मैं आपको फ्री करूंगा, तब तक इसको सॉल्व करो. Now we are totally focused on the resistances, okay? So resistance के values के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम resistance के values को how we are calculating them. So that first of all हमें तो चाहिए overall circuit का total resistance. Total resistance एक बार मिल गया, perfectly fine. अगर नहीं मिलता है then we have to find out with the help of all these tools and techniques. जैसे कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन हो गया, सीरीज पैरेलल कन्वर्जन हो गया, देन वी आर यूजिंग करंट डिवीजन रूल. ये सारे रूल्स को वगैरह यूज करके हमें अल्टीमेटली क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है. ओके, गो अहेड. सो वी हैव थ्री वैल्यूज, सो लेट्स सी अदर्स आर ऑल्सो गेटिंग द सेम वैल्यूज. देर इज अ स्मॉल मिस्टेक, इफ हैपन देन द टोटल यू नो आपका जो आंसर्स है वो तीनों चेंज हो जाएगा. सो मेक श्योर यू डोंट डू एनी कैलकुलेशन मिस्टेक. सर कैन यू शो द फार्मूला? ओके, यू वांट टू सी द फार्मूला? ओके, लिखा, लिख के नहीं लिया आपने? ये सब आपके नोटबुक में लिख के लो तीनों फार्मूलास. डोंट डिपेंड ऑन स्क्रीनशॉट्स, मोबाइल फोन फॉर्मेट हो गया तो स्क्रीनशॉट सब निकल जाएंगे. गूगल फोटोज का भी अपडेट आया है अभी 1 जून के बाद, वो भी बंद हो जाएगा. डन हो गया आपका, हमें ऑडिबल टू यू? ओके, परफेक्ट. सो नाउ वी हैव अनदर वन न्यूमेरिकल.
सो आर ए बी, नाउ दिस इज इन डेल्टा, जैसे अभी आप देखते हो आर ए बी जो है दैट रिप्रेजेंट्स द डेल्टा रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस इज आर कनेक्टेड इन डेल्टा एंड द कनेक्शन इज बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, द वैल्यू इज 61 ओम, आर बी सी इज 68 एंड आर ए सी इज 91. तो नाउ कन्वर्ट इट इन टू द स्टार, अभी दूसरे फॉर्मूले यूज करना है जहां पे हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करेंगे, ठीक है? ओके डन एवरीवन, ओके ओके, सबका सेम आंसर आ रहा है, सिमिलर आंसर आ रहे हैं एवरीवन? यस सर. ओके परफेक्ट, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. 25.23 18.28. ओके परफेक्ट परफेक्ट, सो यू नाउ गॉट द आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग स्टार इनटू डेल्टा एज वेल एज डेल्टा इनटू स्टार. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट डाउन दिस ऑल इनटू योर नोटबुक राइट नाउ फर्स्ट. ओके सो डन एवरीवन, परफेक्ट परफेक्ट. सो क्या क्या समझ में आया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन व्हाट इज अ सर्किट. सर्किट क्या है? क्लोज लूप ऑफ कंडक्टिंग पाथ है जिसमें से करंट फ्लो होता है. बीच में कोई भी आ सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है, कैपेसिटेंस आ सकता है, इंडक्टर आ सकता है, आपका कोई बल्ब आ सकता है, मोटर आ सकता है, स्विच आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, चार्जर आ सकता है, एनीथिंग. ओके उसको सर्किट बोलेंगे. पाथ क्या होता है? सिंगल लाइन ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट एंड अ सोर्स. जो पाथ होता है उसमें एक एलिमेंट हो सकता है या एक सोर्स हो सकता है. मैं ऑडिबल टू यू बाय द वे? परफेक्ट. सो नोड क्या होता है? नोड जहां पे दो या तीन टर्मिनल जो है वो ज्वाइन होते हैं एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ एक्ट एज अ नोड वेयर इट कैन डिस्ट्रीब्यूट द ब्रांचेस. करंट जो डिस्ट्रीब्यूट वहां से हो सकता है उसको हम नोड बोलते हैं. देन वी हैव ब्रांच. ब्रांच इज लाइक वेयर टू नोड्स आर देयर एंड इन बिटवीन देयर इज अ वन कंडक्टिंग पाथ अलोंग विथ वन एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब क्या है? इट कैन बी अ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, आपका बल्ब हो सकता है, मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट. और वो एलिमेंट जिस दो टर्मिनल के बीच में है उसको बोलेंगे ब्रांच. लूप. लूप इज वेरी सिंपल दैट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका क्या है? एक ही है. मतलब क्या है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर, गोइंग रोमिंग अराउंड एंड कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट. ठीक है, घर से निकलते ही चाय वगैरह पिया, बाहर आए घर पे, वापस हो गया पूरा लूप. आगे बढ़ते हैं. मेश. मेश इज लाइक वी हैव ऑल दिस लूप्स, ब्रांचेस एंड लाइक अ कंटिन्यूस, वी कैन से एक कंटिन्यूस, मतलब उसमें कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं है. ओके डज नॉट हैव एनी अदर पाथ, सिर्फ एक ही मेश है. सो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से देखते हैं डायग्राम में. सो डायग्राम में यू कैन सी नोड्स इन द ग्रीन पॉइंट्स. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. दिस आर टू एंड आर फोर जो कैरिंग है उसको ब्रांचेस बोलेंगे हम. द पर्पल थिंग आर फाइव, आर सिक्स, आर सेवन एंड आर फोर, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ लूप एंड द करंट इज फ्लोइंग इन द लूप. अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत है कि सर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें से भी करंट फ्लो होता होगा और इसमें से भी करंट फ्लो होता होगा. Now when we are considering the loop, every loop has its own current. Now this sentence is a relative. Relative मतलब क्या? ये loop में अगर I1 flow हो रहा है तो ये loop में I think am I visible with the laser pointer? Okay. So यहाँ पे जो current flow हो रहा है this is I1 और यहाँ पे ये जो second loop है उसमें क्या हो रहा है? I2 flow हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? I3 flow हो रहा है. Now, ये जो लूप्स होते हैं ना उनका डायरेक्शन हमें हमेशा सेम रखना पड़ता है. Now, why same? मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज रहेंगे. ओके एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? दोनों लूप क्या है? क्लॉकवाइज है. तो मुझे बताओ ये जो आर फोर है दिस आर फोर इज कॉमन फॉर आई वन एंड ऑल्सो फॉर आई टू. एग्री विथ मी? यस. सो आर फोर में से जो करंट फ्लो हो रहा है ना एक करंट है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये नोड से ये नोड की तरफ जा रहा है नीचे एंड ये जो है ये आपका नीचे से ऊपर जा रहा है. सो द नेट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस आर फोर विल बी आई टू माइनस आई वन.
ये कितने लोग को समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? यस सर। ऐसा सोचा था आपने पहले, इसके पहले सोचा था कभी ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज एज अ आई वन, दिस इज एज अ आई टू, और ये सब इमेजिनरी करंट्स है, ठीक है? दिस ऑल दिस लूप्स करंट्स आर इमेजिनरी करंट्स, ओके? वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग इट्स वैल्यूज। टोटल करंट तो आपका सोर्स से ही निकलेगा, डिवाइड होगा वापस आके मिलेगा चला जाएगा। वेरी सिंपल, दीज ऑल आर द इमेजिनरी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। ऐसे स्टंट जो है वो सिर्फ क्या बोलते हो, प्रशिक्षित खिलाड़ियों से किए जाते हैं। मतलब क्या कि ये जो करंट है दीज आर ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पज। एक्चुअल में करंट ऐसा क्रॉस वगैरह नहीं करता है, करंट का वैल्यू जो है वहां पे वो एज पर न्यूमेरिकल वैल्यूज वो कम होते जाता है, सिंपल सी बात है। जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है वहां से करंट निकलेगा, जहां पे कम पोटेंशियल है वहां पे करंट पहुंच जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, ओके? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ द पॉइंट इज क्लियर टू यू फॉर दिस कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स आपको लिख के लेना था नोटबुक में, आई होप सो आपने लिया होगा। और ये उसका डायग्राम टू आइडेंटिफाई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी इफेक्टिवली। Okay, moving ahead with this, first we'll see the Kirchhoff's current law. Now, what do you mean by Kirchhoff's current law? Kirchhoff's current law state that the currents which are entering the node, जो blue के अंदर दिखा रहा है आपको, that is node, वो node पे जितने current enter करते हैं उतने ही current, उतना ही amount of current वो node से क्या होता है, leave होता है, okay? I hope previous point आपको समझ में आया होगा, right? Hello? Yes, sir. Okay. So, draw this diagram in the notebook. इसके नाम दे दो I1, I2, I3, they are incoming currents and I4 and I5 are the outgoing currents. जैसे कि यहाँ पे incoming current कौन सा है, R1 से आने वाला current है वो incoming है, और R3 को जाने वाला और R2 को जाने वाला जो current है वो क्या है आपका, outgoing current है। So R1 will be considered as a positive, R3 and R2 will be considered as a निगेटिव, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वहां से निकल के जा रहा है, ओके? सो ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन विच इज हियर। यहाँ पे नीचे जो इक्वेशन है उसको भी लिखना है आपको, ओके? गो अहेड, व्हेन यू आर डन जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स। डन सर। हो गया आपका? यस सर। यस सर। ओके, नाउ दिस इज फॉर, am I audible to you? Yes, sir. Okay, so this is for your current law, Kirchhoff's current law. Now this is, we call it as a loop, जैसे हमने loop देखा था, but यहाँ पे है A, B, C, D. ये particular circuit में चार node है हमारे पास, और उनमें A और B के बीच में जो resistance है वहाँ पे होता है voltage drop. तो ये क्या है, total 4 voltage drops है. Voltage drop मतलब क्या, जहाँ पे जैसे कि अभी कोई कमाता है कोई खर्च करता है, बराबर? कमाने वाला कौन है, जो आपको बैटरी है जनरेटर है वो कमाने वाला है, खर्च करने वाला कौन है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, ड्रॉप होगा, ओके? सो रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सबका एडिशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके? दिस इज अबाउट द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसका दोनों का काफी सिंपल तरीके से डायग्राम दिया है, वोल्टेज सोर्स का होना जरूरी है। इसमें क्या होता है, वी हैव टू गिव द पोलैरिटी, पोलैरिटी देना काफी जरूरी है। यहाँ पे देखो प्लस एंड माइनस दिया है, रेजिस्टेंस के लिए वो प्लस एंड माइनस क्या होता है, वो पोटेंशियल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने की वजह से आपके वोल्टेज जो है आपका वो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग साइड में क्या होता है, ज्यादा होता है और यहाँ पे कम हो जाता है। सो सिमिलरली दीज आर कनेक्टेड इन अपोजिट टू द सोर्स टर्मिनल्स। सोर्स का जो पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी से हम अगर सीरीज में जाने की कोशिश करेंगे लाइक दिस, लेजर पॉइंटर कैसा जा रहा है देखो, ये डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ सर्किट में से हम जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, बराबर? तो इसके जैसा ये नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस के लिए वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, मतलब पहला प्लस आएगा फिर निगेटिव आएगा फिर प्लस आएगा फिर निगेटिव आएगा, लाइक दिस टिल द
एंड, और अगर बीच में कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स आता है तो वोल्टेज सोर्स का जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो पोलैरिटी है, वो सेम एज योर वोल्टेज सोर्स रहेगा. तो दिस इज व्हाट आर द कंसिडरेशंस वी डू व्हाइल परफॉर्मिंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ न्यूमेरिकल्स. ओके, तो ये दोनों डायग्राम आपके नोटबुक में ड्रॉ करके रखो. शायद पहला ये वाला किया है आपने, ये वाला इस तरीके से ड्रॉ करो. किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला जो है वो इस तरह से ड्रॉ करो, और नीचे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन पूरा लिखो. जब हो जाएगा तब डन करके बता देना. ओके, डन एवरीवन, परफेक्ट. सो नाउ दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो राइट डाउन दीज डेफिनेशंस इन योर नोटबुक. ओके, परफेक्ट. सो नाउ किरचॉफ्स करंट लॉ भी देखा, इसका न्यूमेरिकल एक देखते हैं और आज इधर ही क्लास हम स्टॉप करते हैं. तो दिस इज द न्यूमेरिकल. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द लूप्स. ए ये दूसरा और ये तीसरा. यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है, V1 और V2. V1 10 वोल्ट का है, V2 20 वोल्ट का है. ओके, नाउ आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस, राइट. नाउ वी हैव I2 विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस R2 विच इज ऑफ 20 ओम्स. R3 इज 40 ओम्स एंड देन इट इज कमिंग बैक टू द सोर्स. फॉर द सोर्स 10 वोल्ट इज गोइंग फ्रॉम I1, R1 एंड R3 एंड इट इज कमिंग बैक. तो R3 में जो दो करंट जा रहे हैं I1 एंड I2, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ एडिशन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या कंसिडर किया हमने, सेम कंसिडर किया है. ओके, तो लेट सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? वी हैव 3 ब्रांचेस, 2 नोड्स ए एंड बी, एंड वी हैव 2 इंडिपेंडेंट लूप्स. देखा आपको सबको, एवरीवन. देन वी हैव टू यूज फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग? नोड्स पे यूज करेंगे, ए एंड बी पे. एंड वी विल बी गेटिंग एट ए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. I3 कौन सा? जो ए और बी के बीच में है, दैट इज कॉल्ड एज I3, एंड I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. देन वी हैव एट द नोड बी इज I3. क्या हो रहा है? I3 जो है स्प्लिट होने वाला है, किसमें? I2 में और I1 में. सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. नाउ वी हैव टू यूज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? वोल्टेजेस को अगर हमने साथ में कंसिडर किया तो हमें उसका एडिशन, वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन और वोल्टेज सोर्स का एडिशन, ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है. लूप वन के लिए बात करेंगे, 10 वोल्ट है. R1 मल्टीप्लाई बाय I1, दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप, राइट. R3 I3 इज योर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3. वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या? V इज इक्वल टू IR. ये फॉर्मूला को यूज करना है, V इज इक्वल टू IR. ये फॉर्मूला को यूज करना है, जो जो रेजिस्टेंस रास्ते में आता है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये पता करना है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IR. और R का वैल्यू क्या है? 3. I का वैल्यू है I3. ओके, नाउ फॉर द लूप 2, 20 वोल्ट, 20 मल्टीप्लाई बाय I2 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय I3. नाउ हमारे पास KCL के यूज से I3 का वैल्यू हमें पता है. आप क्या करो, आपको समझ में आया तो आप क्या करो, मेरे साथ साथ आपके नोटबुक में भी ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है. सो ये लूप 2 का इक्वेशन बन गया, लूप 1 का इक्वेशन बन गया. अभी इसमें कॉमन क्या है? I3 40 I3 जो है वो क्या है? कॉमन है. 40 I3 क्या है? कॉमन है. तो इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे. किसको? लूप 1 से लूप 2 को माइनस करेंगे. तो 10 माइनस 20 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और I1 10 मतलब 10 I1 माइनस 20 I2 राइट हैंड साइड में आ जाएगा. नाउ वी नो दैट I1 एंड I2 का एडिशन ये I3 बनता है. तो इसको हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में अगेन पुट करना है. तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा? I1 प्लस I2, I3 के जगह पे हम उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. देन वी गेट अ 50 I1 एंड 40 I2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 40 I1 प्लस 60 I2. और अभी आपको पता है कि जब इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिलते हैं जिसके राइट हैंड साइड में दोनों वेरिएबल्स जो है वो क्या है? सिमिलर है दोनों इक्वेशन में. तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं?
by using the simultaneous equation. Okay, so now we have two simultaneous equation I1 and I2 ke liye. So let's see how we are able to get the value of I1 and I2. Abhi aapke paas ye do equation aa gaye. Have you written this equation? 10 is equal to 50 I1 plus 40 I2 and 20 is equal to 40 I1 and 60 I2. ये दोनों आपके नोटबुक में अगर लिखा है और आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आते हैं तो जस्ट जैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे बताओ कि I1 और I2 का वैल्यू क्या रहेगा. यू हैव 2 मिनट्स टू डू दैट. मैं ऑडिबल टू यू? यस. क्या आया आंसर? yes, बताओ चैट बॉक्स में. मैच कर रहा है आंसर आपका? सी दिस इज न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें और न्यूमेरिकल्स थोड़ा टाइम लेते हैं. थोड़ा सिली मिस्टेक भी हमें भारी पड़ सकता है तो मेक श्योर कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट्स I3 जो हमें चाहिए. करंट हमारे रेजिस्टेंस R3 में से कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज द क्वेश्चन. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्क टू यू कि आप ये सर्किट को एनालाइज करके बताओ कि रेजिस्टेंस R3 में से कितना करंट फ्लो होगा एंड व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3. R3 के अक्रॉस A और B के बीच में कितना वोल्ट दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेटिंग दिस रेजिस्टेंस R3 एंड द करंट वैल्यू ऑफ I3. R3 और I3 का मल्टीप्लिकेशन करके कितना मिल रहा है हमें? वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 11.44 वोल्ट्स. तो 11.44 वोल्ट कहाँ पे रहेगा? एट द टर्मिनल A. टर्मिनल A पे कितना वोल्टेज रहेगा? 11.44. यू गॉट दिस एवरीवन? सो 10 वोल्ट के कंपैरिजन में आपका ए का वोल्टेज कितना है? ज्यादा है. तो जो करंट फ्लो हो रहा है लूप 1 में इट इज नॉट एज पर द डायरेक्शन विच वी हैव एज्यूम. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू हैव लर्न समथिंग टुडे एंड यू विल रिमेंबर इट एंड यूज द फॉर्मूला फॉर प्रैक्टिसिंग एंड गेट द आंसर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो विल स्टॉप हियर टुडे. यू नो वेयर टू पुट योर अटेंडेंस मार्क.